हाँ तो भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं कॉलेज के लिए। लाहौर की सर्दी बहुत ज़्यादा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को सर्दी में कॉलेज लेकर जाया जाए। आ जाओ फिर निकलते हैं। यार टच ही नहीं काम कर रहा यार, ग्लव्स पहने का टच कहाँ से काम करेगा। तो ये रही हमारी सवारी, थोड़ी सी चेंज लग रही होगी है ना, वो हमने ये टैंकी और ठापे नहीं लगा। वो पंजाबी में कहते हैं। तो एक्चुअली अभी हम लोग निकल रहे कॉलेज के लिए तो उधर मिलते हैं। सिनेमैटिक्स देखो तब तक। क्या कर रहे हैं? तो यार वी आर नदिया वे जॉन चल रोक रो। वी आर एट द कॉलेज बॉयज। ठंड बहुत है। बस लगाओ बाइक, बाइक लगाओ। कॉरिडोर है, लाइट बहुत कम बंद की हुई है, पता नहीं क्यों है। क्लास चलते हैं, देखते हैं कितना रश है, कितनी आवाम आई। अस्सलामुअलैकुम। बॉयज एंड गर्ल्स क्लास खत्म हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम भाई सर। अल्हम्दुलिल्लाह आपने। तो अभी हमारा एक लेक्चर खत्म हो चुका है, सेकंड लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। तो तब तक के लिए अंग्रेज ने 100 रुपया वहाँ पे वो जो चल नहीं रही थी सी वी यू पे गाड़ी 100 लेते हैं जाने आने दोनों का। अंग्रेज साहब ने जाके उधर 50 रुपये पे बात की, कहता है भाई 100 जाने का 100 आने का 200 रुपये। आज नहीं बढ़ना तुमने मेरा मूड। अच्छा तो इधर मेरे दोस्त हसनैन तलानजुम की वो लाइन कॉपी करने वाला है जो कॉन्सर्ट में अटैक के दौरान उसने बोली थी। पहले उसकी वीडियो देखो तलानजुम की, देन इसकी देखो। तुमने मेरा मूड बहुत फक किया है, इफ यू वांट टू डू दिस अगेन ब्रो, अगर तू वाकई मर्द का बच्चा है ना तो यहाँ पे आके कर। तुमने मेरा मूड बहुत ज्यादा फक किया, इफ डू दिस अगेन, अगर वाकई मर्द, अगर तू वाकई मर्द, अगर तू वाकई मर्द का बच्चा है तो इधर आके कर। ब्रेक हो चुकी है अभी, तो अभी हम लोग नीचे जाते हैं, चेंज करते हैं रोल। आजो, तो आज आप लोगों को दोबारा से फर्स्ट ईयर के बच्चों की थोड़ी सी बहुत रैगिंग करेंगे और थोड़ा सा उन लोगों से पूछेंगे कि उन लोगों का कॉलेज कैसा लगा। हसनैन, अच्छा ये वो लड़का है जिसके लिए मैं कराची गया था खास। फर्स्ट ईयर के लड़के सैम कौन सा है फर्स्ट ईयर के हो आप? अच्छा यार आपका कॉलेज में अभी नया आया, ठीक है, मतलब कि हम लोग तो पुराने, हम लोग को तो पता है कॉलेज कैसा है, ठीक है। आप बताओ आपके क्या तासुरात है इस कॉलेज में आने के बाद? सही है कॉलेज, इतना बुरा भी नहीं है। बुरा भी नहीं है यानी कि समझ रहे हो? भी नहीं है। अच्छा भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जब कॉलेज में आए थे तो क्या सोचा था कि क्या एक्सपेक्टेशन थी कि भाई क्या होगा कॉलेज? ये तो नहीं, जब मैं पहली बार आया था मैं तो देखा था कि छोटा सा होगा। अच्छा पहले भी पता था छोटा सा होगा? नहीं, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तब बाहर से देखा था, मुझे लगा छोटा होगा, जब अंदर जाके देखा। सोच के क्या आया था ये बताओ? सोच के तो नहीं, ये तो को सोच कर आया थे? ये तो मैं सोच के आया नहीं। नहीं आया तो सोच के आया नहीं? नहीं नहीं वो नहीं सोच। दूसरा फर्स्ट ईयर का पकड़ते हैं इधर, फर्स्ट ईयर के लड़के पकड़ो, फर्स्ट ईयर के लोग सेकंड बंदे से पूछते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर का है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अच्छा तो भाई आप कॉलेज में, आप तो नए हो, हम लोग को तो पता है कॉलेज कैसा है, ठीक है, तो आप जब आए थे कॉलेज में आपके क्या तासुरात थे, कॉलेज कैसा होगा? अच्छा ही होगा। नहीं नहीं जो सोच के आए थे, क्या सोच के आए थे? जो
जो आप सोच के आए थे यार, मैं तो नॉर्मल सोच के आया था ना, मैं तो समझा था स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 होगा। मैं भी सोच के आया था, को होगा मजे के लिए, इधर एंजॉय करने के लिए। भाई गुलबर्ग में जो भी बंदा आता है इस कॉलेज में वो यही सोचता है ना कि भाई इधर को होगा, फुल एंजॉय होगा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 होगा, है ना, ऐसा ही होगा ना। आप भी ये सोच के आए थे? नहीं, ये तो नहीं सोच के आया था मैं, ऐसा तो ना करो। मैं जो सोच के आया था, मैंने तो सुना था ख्वाजा सरा होंगे इधर। अच्छा, तो खैर हम लोग ने फर्स्ट ईयर के 2 बच्चों का रिव्यू लिया इस कॉलेज के बारे में, क्या सोच कर आए थे, और अभी हम लोग दूसरे बच्चे के पास चलते। अच्छा, तो अभी हम लोग थर्ड बच्चा है ना हमारे, थर्ड हमारा नहीं है, मतलब फर्स्ट ईयर नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ईयर के लड़के से हम लोग इंटरव्यू लेने लगे हैं, दोबारा तीसरा बच्चा है, निशान लगा देना लास्ट में, ठीक है। अच्छा, आप कॉलेज में जब इधर आए थे एस्पायर कॉलेज में, जब आप तो फर्स्ट ईयर के, हमें तो पता है कॉलेज कैसा है, आप बताओ। अच्छे सोच के आए थे, अच्छा होगा। को सोचा था कि को होगा? आपको भी यही लगा था कि आपने भी एडवर्टाइजमेंट देखी और देखा कि भाई को सिस्टम है, तो को सोच के हमें इधर आए, ऐसा ही था? जी, ऐसे। तो खैर ये भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर छोर बता रहे हैं। तो खैर ये भी वही सोच कर आए थे जो हम लोग सोच कर आए थे, तो इनके साथ भी बुरी हो चुकी है। निशान लगाने सर निशान ये भाई भी हो गए हैं, डन है। नहीं नहीं, नेक्स्ट सेकंड है, निशान भी आपने लगाने हैं, ठीक है। 3 बच्चे तो हमारे हो गए हैं, हमारे ऑलमोस्ट हम करेंगे। आ जाओ यार, ये भाई हमारे सेकंड ईयर के हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लड़कों से तो हम लोग मिलते ही रहेंगे, मिल जाएंगे वो और भी ब्लॉग में। अच्छा, तो खैर हम लोग इनसे पूछते हैं कि ये तो हमने फर्स्ट ईयर भी देखा, हम लोगों ने सेकंड ईयर भी देखा, तो आपका सेकंड ईयर कैसा जा रहा है? सेकंड ईयर में परिवार का छोटा भाई है, वो तो हमें पता नहीं है। अभी आप बताओ, आपका सेकंड ईयर कैसा जा रहा है? यार पहले तो बड़ी ज्यादा छुट्टियां गई हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही। अच्छा, और बात ये क्या लग रही है? अच्छा, तो खैर ये इनके भी वही तासुरात है जो हमारे हैं, यही इनसे समझ है हमारे भी ये तासुरात है। अच्छा, तो ये हमारे जो बॉयज हैं, ये हमारी क्लास के ही हैं, ठीक है। इन लोगों से भी पूछते हैं, इन लोगों के क्या तासुरात है सेकंड ईयर में? भाई कोई तासुरात ही देना चाहता है इसको कॉलेज में? यार तासुरात तो इतने खास कोई नहीं है, लेकिन इतना सीरियस क्यों हो गया एकदम? मुझे बता, वक्त और मौका हालात देख के अपने जज्बात एहसास और सब कुछ, ये मुझे लग रहा है नॉवल पढ़ गया है। अगरबाद का बच्चा तो इधर आगे बोल पे करें यार। इसे हम लोग सिर्फ आपसे छोटे से 2-4 सवाल पूछेंगे और कुछ भी नहीं था। सवाल है 2-4 बस आपसे पूछेंगे, ठीक है बर्सर। अच्छा सर, ये हमारे हमें पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सर बिल्कुल न्यू आए हैं हमारे कॉलेज में, ठीक है। पिछले फर्स्ट ईयर में हमारी इनसे मुलाकात नहीं हुई थी, सेकंड ईयर में इनसे मुलाकात हुई है। सर आपको ये पर्सनली कॉलेज कैसा लगा? कॉलेज ओवरऑल बहुत अच्छा है, और इसके अंदर ही बोलना। जी बोलना, आप बोलें, आपकी आवाज़। माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छे हैं, और बस जो है इनका एक मसला है कि जब लेक्चर ले रहे होते हैं, जो बैक बेंचर्स होते हैं, बस वो पढ़ाने नहीं देते, बाकी तो सब ठीक है। ये फर्स्ट बेंचर हूँ ना। हाँ, तो भाई मैं और स्नैन अभी निकल चुके हैं फर्स्ट ईयर के बच्चों की तलाश में। फर्स्ट ईयर के यार, आप फर्स्ट ईयर के? ओ भाई ये फर्स्ट ईयर के, ठीक है, हमें मिल गए, हम लोग ढूंढ रहे थे। अच्छा, तो अभी आप फर्स्ट ईयर के, ठीक है। हम लोग तो फर्स्ट ईयर से गुजर गए, हम लोग को पता था ये कॉलेज कैसा है, ठीक है। हम लोगों ने आपसे पूछना, आपके क्या तासुरात है, आपको कैसा लगा था, और क्या सोच के ऐसे कॉलेज कि कैसा होगा, क्या एक्सपेक्टेशन क्या थी आपकी? ये ख्याल में नहीं आया था, ये नहीं था ख्याल में। अच्छा, आप क्या देख के इस कॉलेज में आए, किसी के रेफरेंस है? नहीं, क्या देख के भी नहीं आया मैं, जस्ट मैंने किसी और कॉलेज में एडमिशन पहले दिया था, पर वो उस कॉलेज में एडमिशन हुआ नहीं। अच्छा, बस ये ऑप्शन पड़ी थी गुलबर्ग में ही, तो मैंने इधर। सही, मतलब क्या आपकी कोई एक्सपेक्टेशन ही थी को होगा कि नहीं होगा? हम लोग तो को का ही सोच कर रहे थे, आए एडवर्टाइजमेंट देकर, धोखा हमारे साथ, यानी इनके साथ भी सोच के नहीं आते, टीचर ही बड़ी है नहीं, ये भी आप गलत सोच है। अच्छा, वो अलग बात है। अच्छा खैर, भाई कह रहे हैं कि वो ये नहीं सोच के रहे थे, ये वाले भाई के साथ सेम हुआ, हमारे जैसा सीन हुआ है। खैर ये भाई तो नहीं सोच के रहे थे। आपका नाम? मेरा इब्राहिम नाम है, मेरे रिलेशन ही टीचर के साथ। ओके, सही है, वो सीन अलहदा हो गया, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा हम डीप जा रहे हैं, तो डीप लाइक मैं पास तो छोड़ दो इसको। निशान लगा लो, निशान, फोर्थ बच्चा हो गया। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर के हम लोग एक और भाई मिल चुके हैं, ठीक है। आपका नाम? मुर्सलीन नाम है भाई का, ठीक है। भाई आप क्या सोच के इस कॉलेज में आए थे, क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी, कि आपको क्या आपके माइंड में आया था कॉलेज आने से पहले? मेरी अम्मी को है। अच्छा, आपकी अम्मी कहती को है आपको, ये बस ये एक वर्ड की वजह से आप इधर आ गए इस कॉलेज? मैं पंजाब को ही जाता था। अच्छा, छोड़ कर आए? हाँ, इससे ज्यादा बुरा किसी के साथ नहीं होता, मैं भाई का दुख समझ सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अभी आप कॉलेज आ गए हो, ठीक है, आप कॉलेज आ गए हो, आप क्या, आपको कैसा लग रहा है कॉलेज?
बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ही बीप लगा दे, साउंड जाना चाहिए था, ठीक है। तो भाई का इंटरव्यू हो गया, आप भी फर्स्ट ईयर के? ये फर्स्ट ईयर के, आओ दो मेरे, कुछ नहीं होता, लो डर किस चीज का, डरना नहीं है किसी चीज से, तो कुछ भी नहीं होगा। आपने कॉलेज से पढ़ी? अच्छा, आप क्या सोच कर आए थे इस कॉलेज? वही सेम, बिल्कुल सेम, यानी कि सेम सीन है। अच्छा तो भाई निशान लगा दें हसनैन भाई मारे। अरे यार जरा, अरे नहीं जो कुछ नहीं होता यार, हाथ दिखाओ। फोर्थ एंड फिफ्थ भाई इधर आना। अच्छा बस बस, ओए जिस वजह से छोड़ के आया ना उस धोखे के लिए आपको निशान लगा के दे रहा हूँ। अच्छा अभी हम लोग सेकंड सर के पास अभी हम लोग आ चुके हैं कॉलेज के, ये हमारे साथ सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी थे और सेकंड ईयर में हमारे साथ हैं। तो सर हमने आपसे एक छोटी सी बात पूछनी है, आप उसका जवाब दे दें, अगर दे देंगे जवाब। अच्छा सर, आप ओवरऑल आपको अपना पर्सनली कैसा लगता है कॉलेज? जी बिल्कुल कंफर्टेबल है, विदाउट एनी पॉलिटिक्स, बच्चों के लिए अच्छा एकेडमिक माहौल है, हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, डिसिप्लिन, उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटी सब में जबरदस्त। सर एक बात के, फर्स्ट ईयर जो हमारी पिछली गुजरी है कोरोना वायरस में गुजरी है, सारा इस तरह का रहा है माहौल, सही नहीं रहा माहौल, तो आपको तो पता होगा ना हमारे साथ फर्स्ट ईयर में, यानी कि नाइंसाफी हुई है थोड़ी सी? नहीं, हमने तो जो अपना स्केड्यूल चेंज किया था अकॉर्डिंग टू कोविड, बड़ा जस्टिफाइड था, जिसमें बच्चों से ऑनलाइन एग्जाम भी लिए गए, ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों ने अटेंड की, लेकिन ये कसूर फिर बच्चों का है ना अगर वो ऑनलाइन क्लासेस में अपीयर नहीं हो। नहीं नहीं सर वो नहीं कह रहे, मतलब कि ओवरऑल जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होनी थी वो नहीं हुई, उसमें तो हमारे साथ हुआ ना। हाँ जाहिर है अब नॉर्मल सिचुएशन में अब नॉर्मल डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन इस साल तो कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है सिचुएशन। नहीं वो नहीं आएगी, कह रहे हैं इंशाल्लाह। तो आए ना नहीं सर को नहीं लगाना, ठीक है सर के साथ हमारा इंटरव्यू, तो थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। क्या टिकटॉक है? तो अभी हम लोग चल रहे हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के पास। फर्स्ट ईयर के यार आप फर्स्ट ईयर के हो? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो? फर्स्ट ईयर के हैं भाई, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के हमारे भाई हैं, ठीक है। अच्छा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये कि आप जब कॉलेज इधर आए थे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि कैसा होगा ये कॉलेज? अच्छा होगा? नहीं नहीं बस ये अच्छा होगा नहीं, मतलब सोच के क्या को होगा, बहुत मजा आएगा, स्पोर्ट एक्टिविटीज होंगी, वो जो घर जैसे स्कूल में पढ़ते थे उसके बाद उधर से निकल के अब बहुत बड़े ग्राउंड होंगे, यही सोच के आए थे? यही सोचा था? नहीं मैंने तो सोचा था कि गवर्नमेंट कॉलेज का, लेकिन पापा ने मुझे इधर प्राइवेट में डाल दिया था। अच्छा उन्होंने पढ़ाई के लिहाज से डाला था या ओवरऑल? पढ़ाई के लिहाज से डाला था। पढ़ाई के लिहाज से डाला था, तो को का सोच के आप कुछ भी नहीं, अबू के डिसीजन पे आए हो? हां अबू के डिसीजन। चलो ठीक है, ये भाई अबू के डिसीजन पे आए हैं, ये रेहान भाई आ चुके हैं हमारे। हां तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की क्लासेस में, रश चेक करो कितना बच्चा हो गया इधर पास का। आप फर्स्ट ईयर के हो? ओ फर्स्ट ईयर के बॉय मिले हमें, दो मिनट, फर्स्ट ईयर के बॉय मिल गए हम लोगों को, ठीक है। अच्छा 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 चलो सीरियस सवाल पूछते हैं अभी भाई से, आपका नाम? फवाद। फवाद भाई यार आप जब कॉलेज आए थे आपने क्या सोच के आप कॉलेज आए थे और आपकी अभी कॉलेज के साथ क्या एक्सपेक्टेशन? कहीं और एडमिशन नहीं मिला यहाँ पे आ गए। अच्छा सोच के क्या आए थे? नहीं वो छोड़ दो, वो पर्सनल हो जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा मैं एक और बात पूछना है आपसे कि आप यही सोच के रहे थे कि कॉलेज को होगा? बिल्कुल सेम यार, आप भी को सोच के आए थे? सबका तकरीबन इधर सेम है। तो अभी ब्रेक ओवर हो चुकी है, अभी हम लोग चलते हैं अपनी क्लास में। तो भाई ये दोनों बॉयज़ थे हमारे साथ, शूट भी किया इन लोगों ने हमारे साथ और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया हमारे साथ, घूमे फिरे पूरे कॉलेज में, तो इनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया स्नैन भाई और रेहान भाई अभी आए हैं, ठीक है। तो इनका भी थैंक यू, ये मेरे साथ मशहूर बंदे को तुम भूल गए हो? ओ सॉरी एक्चुअली ही इज अ टिकटॉकर, सो आपकी इसकी आईडी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाके फॉलो करो, लाइक करो, कुछ तो करो। ओए इंस्टा इंस्टा मेरी इंस्टा, हां हां मेरी इसकी इंस्टा पे इसको फॉलो करो, मैं इसका भी लिंक दे दूंगा। 110 फॉलोअर है, थोड़े से ज्यादा 110 फॉलोअर है, 200 करवाने हैं मेरे भी, मेरे भी, मेरे भी 4। असनैन भाई आपसे गलती होगी, आपने दो बच्चों का निशान नहीं लगाया यार, मैं भूल गया यार, माजर यार भाई भूल गया। तू अभी मर का बच्चा तो यहाँ शून्य का निकला, हाथ नहीं धोए ये वही पुराने शीशे। बहुत बदतमीज है, सुबह के 6 मिनट बैठ जा चुके हैं पहला दिन ना आज, अब आप खुद इनको बाहर निकाले सर ने पूरी क्लास का माहौल खराब किया हुआ है, इनकी वजह से सर हम भी नहीं पढ़ पाते, कभी तराना पढ़ रहे हो कभी लपियाती पढ़ रहे हो, खैर है तुम्हें उठो चलो सर में। सर
सब मिले हुए अगर वो वाकई वर्क का बच्चा कायदे आजम ने कहा था मिलजुल के काम करना सबने मिला मतलब मिले हुए हाँ तो भाई छुट्टी हो चुकी है अभी हम लोगों को और निकल रहे हैं बाय तो बस चलते हैं उधर गेट पे मिलते हैं। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्प किया भाई ने हमारी थैंक यू कितना रश तो रश सारे भाई आ गए ड्राइवर आ चुका है हमारा रेहान ओके स्नैन भाई मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में ऑडियंस को लापस कर